एक बंदे ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि भगवान है या नहीं है, और है तो कहाँ है। तो उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भगवान है कि नहीं है। और इसका अगर आप जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम बात करेंगे इंसान के आकार से, इंसान की औकात से, उसका वजूद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा से। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है चंद्रमा, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, इससे भी छोटे 2 ग्रह हैं, सेरस और प्लूटो। उसके बाद से आता है मरकरी, जो हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। और फिर आता है ग्रैनीमेड, जो कि मरकरी से बड़ा है। और आता है उसके बाद से मार्स, जो कि ग्रैनीमेड से भी बड़ा है। और उसके बाद से आता है वीनस, जो कि मार्स से भी बड़ा है। और फिर आती है हमारा अपना घर पृथ्वी जी, जो कि वीनस से कहीं बड़ा है। और उसके बाद से आता है केपलर 10c, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और उसके बाद से आता है नेपच्यून, जो कि केपलर 10c से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। और फिर बात आती है यूरेनस की, जो कि नेपच्यून से थोड़ा बड़ा है। और फिर आता है सैटर्न, जो कि यूरेनस से कई गुना बड़ा है। और उसके बाद से आता है एक और ग्रह, जो कि सैटर्न से भी कई गुना बड़ा है। और उसके बाद से एक और ग्रह आता है, जिसका नाम है जुपिटर, जो कि पिछले वाले ग्रह से बहुत बड़ा है। और फिर आता है HD 100546b, जो कि पिछले ग्रह से भी बहुत बड़ा है। अब आता है हमारा सन, जो इन सभी ग्रहों से बहुत बड़ा है। और उसके ऊपर आता है सीरियस ए, जो हमारे सूरज से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है पोलक्स, जो कि पिछले ग्रह से भी बहुत बड़ा है। और उसके बाद से आता है आर्कटरस, जो कि हमारे पिछले ग्रह से बहुत बड़ा है। और फिर आता है अल्डेब्रेजन, जो कि पिछले ग्रह से और भी ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है राइजल, जो कि पिछले ग्रह से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब आता है पिस्टल स्टार, जो कि राइजल से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है एंड्रस, जो कि पिस्टल स्टार से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है एक और ग्रह, जो कि एंड्रस से भी बड़ा है। और फिर आता है उससे बड़ा एक और ग्रह वाईवी कैनिस मेजर, जो कि पिछले ग्रहों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है यूवी स्कूटी, जो कि हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़ा है और ज्वलनशील है। ये हैं कुछ ग्रह जो हमारे जानकारी में है। चलिए आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मांड में, जिसके लिए इस ब्रह्मांड को जूम आउट करना पड़ेगा। और जूम आउट से पता चलेगा कि एक गैलेक्सी में कितने ज़्यादा ग्रह हैं। तो आपको दिखाते हैं एक गैलेक्सी में आपको कितने ज़्यादा ग्रह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा गैलेक्सी जिसे हम जूम आउट कर रहे हैं। ऐसे मान के चलिए हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अरे हम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भाई, यही हमारी मानसिकता खराब है। हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड का एक तिनका भी हिला नहीं सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस ब्रह्मांड की अनंत दुनिया में, जहां से अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपका तो बात ही छोड़िए, आपकी पृथ्वी भी नहीं दिखेगी। ये रहा हमारे पूरे ग्रहों का सम्मेलन, और पूरे सम्मेलन से मिलकर बनता है हमारा ब्रह्मांड। और इतना ही नहीं, अभी जूम आउट होने दीजिए, अभी तो 50 लाइट ईयर जूम आउट किए हैं, अब करने दीजिए 1000 लाइट ईयर जूम आउट, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और पृथ्वी कहाँ है। दोस्तों, ऐसे करोड़ों अरबों पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह को मिलकर बनता है हमारा एक गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, एक मिल्की वे गैलेक्सी में आपके पृथ्वी जैसे, आपके सूरज जैसे, आपके चंद्रमा जैसे करोड़ों अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, और वो मिलकर बनाता है हमारा गैलेक्सी। तो आपके दिमाग में कहीं कहीं ये बात स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये काली दुनिया कितनी बड़ी है। भाई अभी सब्र रखिए, ऐसे ही करोड़ों अरबों गैलेक्सी को मिलाकर बनता है हमारा यूनिवर्स, जिसमें आप ना तो यहाँ से देखने पे मिलेंगे और ना तो आपकी पृथ्वी खोजने पे मिलेगी। और ये है उस गैलेक्सी का झुंड, जिसमें आपकी पृथ्वी है केवल एक गैलेक्सी में, और गैलेक्सियों की संख्या करोड़ों अरबों खरबों से भी ज़्यादा है, और पूरी गैलेक्सी मिलकर बनता है हमारा यूनिवर्स। अभी इतना ही नहीं, इसके आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहां आप एकदम बिल्कुल से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी खाली दुनिया आई कहां से है, इतने ब्लैक जगह। ये रहा दोस्तों हमारा यूनिवर्स,
जो आपके सामने बन रहा है। कुछ मकड़े की जाल की तरह जहां से अगर आपको खोजा जाए तो आपकी तो बात ही छोड़िए, ना तो आपकी पृथ्वी दिखेगी और ना ही चंद्रमा, ना तो सूरज, कोई भी ग्रह यहां से देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इस मकड़ी के जाल की तरह बना है हमारा यूनिवर्स। तो चलिए आपको जिस तरीके से गैलेक्सी का दर्शन कराए हैं उसी प्रकार से यूनिवर्स का दर्शन कराएंगे, जो कि कलर बदलता हुआ रूप आपके सामने बनना शुरू हो चुका है। 45 बिलियन लाइट ईयर से ज्यादा जूम करने के बाद ये रहा आपके सामने आपका अपना यूनिवर्स। आपको लग रहा होगा कि हमारी दुनिया ये यूनिवर्स है, अरे नहीं भाई, ऐसे करोड़ों यूनिवर्स, जिस तरीके से करोड़ों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाए हैं उसी तरीके से करोड़ों अरबों खरबों यूनिवर्स मिलाकर बनाते हैं एक मल्टीवर्स। चलिए हम आपको यहाँ से खोजते हैं, आपके पृथ्वी को खोजते हैं। अभी जो मैं आपको मल्टीवर्स दिखाया हूँ ये हमारी सोच है, इसके ऊपर हम जा ही नहीं पाए हैं, इसके ऊपर हमारी उम्र कम है, इसके ऊपर संशोधन ही नहीं हो पाया है। ये जितना संशोधन हुआ है मैं आपको उतना ही दिखा रहा हूँ। अब एक बात सोचिए कि हम इतनी बड़ी दुनिया में केवल पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे जैसे लोग और भी ग्रहों पर रहते हैं या फिर नहीं, जिन्हें एलियन कहा जाता है। अभी तक हमारी उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाई है, और ऐसा क्यों हुआ है? हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं जो कि इंसान है, और पूरे पृथ्वी पर एक इंसान के ही पास इतनी दिमाग दी गई है जो पूरे जानवरों पर राज कर सकता है। आखिर कोई और नहीं है तो क्यों ना हाथी में दिमाग आ गया आपके ऊपर चढ़ाई कर देती, क्यों ना घोड़े पर दिमाग आ गया आपके ऊपर चढ़ाई कर देता, आपका घर पृथ्वी पे बनने नहीं देता। पृथ्वी पे सभी जानवरों का बराबर अधिकार है, लेकिन केवल इंसान में क्यों दिमाग मिला, आखिर क्यों? ये बात आपको सोचने पे मजबूर करेगी। आखिर कोई तो है जो इंसान को, पूरे दुनिया को, इस संसार को और इंसानी बॉडी को बनाया है, जिसको किसी भी मशीन आज तक फेल नहीं कर पाई है। आखिर कैसे बना? हमारी बॉडी तंत्र को ही लेकर सोच लीजिए, कितनी मशीनिंग है ये बॉडी तंत्र, कितने मेंटेनेंस से अपना काम करती है, 100 साल तक एक चमड़ी चल जाती है। चार्ल्स डार्विन के एक थ्योरी के अनुसार, जहां पर उन्होंने कहा है कि इंसान बंदरों से ही आया है, तो आखिर जब इंसान बंदरों से आया है तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं हो गए? सारे बंदर का बात ही छोड़िए, एक भी बंदर आज तक इंसान क्यों नहीं हुआ? इसीलिए उनके इस चार्ल्स डार्विन थ्योरी को खारिज किया गया। आइस एज का नाम आपने सुना होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर जिसे किसी हाथी हिला तो सकते हैं बस उठा नहीं सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। वही हाल पिरामिड का है, जो कि इतने ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर को इतनी सहजता से त्रिभुज बनाकर रखा गया है। ये चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आखिर इस संसार को कोई चलाने वाला है नहीं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई, जो कि आज की दुनिया में हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो ऑलरेडी कैसे हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि भगवान है या नहीं है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर भगवान है कि नहीं है, आप समझ गए होंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।